सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रनिंग एनिमी को या फिर अगर आपके सामने कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो आप उस एनिमी को इजीली वन टैप हेडशॉट या फिर हेडशॉट्स कैसे मार सकते हो। तो आज मैं आपको दो ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप क्लोज रेंज में और मिड और लॉन्ग रेंज में इजिली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लॉन्ग रेंज में और मिड रेंज में रनिंग एनिमी को वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लोज रेंज के बारे में। तो दौड़ते हुए एनिमी को वन टैप हेडशॉट मारने के लिए आपने सबसे पहले उसकी मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि साइड को भाग रहा है। तो लॉन्ग रेंज में अगर आप कहो कि एनमी राइट साइड को भाग रहा है तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर एम करना है। एम करने के बाद आपने उसके हेड की तरफ सिंपली ड्रैग कर देना है, उसे वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। पर हेडशॉट तभी लगेगा जब आपने सही से एम किया होगा और उसके बाद सही से ड्रैग किया होगा। और आपने अपने एम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि उसे रेड करना पड़ेगा या व्हाइट करना पड़ेगा। आपने अपने एम को जस्ट एनमी के पास लेके जाना है, उसके बाद अगर आप सही से ड्रैग करोगे तो आपका वन टैप हेडशॉट लगेगा, अगर आप सही से ड्रैग नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। तो इस क्लिप में भी आप देख लो कि मैंने अपने एम को कहां पे सेट किया था। मैं सिर्फ अपने एम को एनमी की साइड लेके गया था और उसके बाद जैसे एनमी बाहर निकला मैंने उसकी मूवमेंट को देखा, वो लेफ्ट साइड को जंप कर रहा था और मैंने लेफ्ट साइड को ड्रैग कर दिया और उसे वन टैप हेडशॉट लग गया। मिड रेंज में और लॉन्ग रेंज में रोटेशन ड्रैग या स्ट्रेट ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एनमी के पास एम को लेके जाना है, उसके बाद उसके हेड की तरफ ड्रैग करना है। आपने ये फोकस नहीं करना है कि भाई मुझे यहाँ पे रोटेशन ड्रैग करना है या मुझे स्ट्रेट ड्रैग करना है। तो एक और क्लिप को देख लो एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेरा एनमी अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है और मैंने उसी साइड को ड्रैग किया और इसे वन टैप हेडशॉट लग गया। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि रनिंग एनिमी को वन टैप हेडशॉट लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जिस साइड को एनिमी भाग रहा होता है हमने सिर्फ उसी साइड को ड्रैग करना होता है और अगर हम सही से ड्रैग करेंगे तो उसे वन टैप हेडशॉट पक्का लग जाता है। इस क्लिप में भी देखो मेरा एम कितना ज्यादा दूर है और फिर भी इसे वन टैप हेडशॉट लग गया। तो अगर हम व्हाइट एम से वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करेंगे तो हमारा एम डायरेक्टली एनिमी के हेड के ऊपर जाके लॉक हो जाएगा, पर अगर हम अपने एम को पहले ही रेड कर देंगे तो भाई वो बॉडी के ऊपर चिपक सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में व्हाइट एम से ड्रैग करो, क्योंकि क्लोज रेंज में तो हम व्हाइट एम से ही ड्रैग करते हैं। लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में आप व्हाइट एम से ड्रैग करके देखना, इजीली वन टैप हेडशॉट लगता है और देखने वाले को तो भाई ऐसा लगता है कि भाई एम बॉट यूज कर रहा है बंदा, क्योंकि सीधा एम डायरेक्टली एनिमी के हेड के ऊपर जाके लॉक हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक और क्लिप को दिखाता हूं। तो इस क्लिप को ध्यान से देखो, यहां पे मेरा एम व्हाइट एम से डायरेक्ट उसके हेड के ऊपर जाके लॉक हुआ है। तो अगर मैं इस क्लिप को किसी भी फ्रेंड को सेंड करूं और से ये कहूं कि भाई देख भला ऐसा लग रहा है कि ये बंदा एमबोट यूज कर रहा है, तो वो कहेगा कि हाँ भाई कर रहा है। पर इस क्लिप में मैंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये ऐसा लग रहा है कि मैं एमबोट यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने जंप किया और अपने एम को थोड़ा सा सेट किया, उसके बाद जब मैंने ड्रैग इस तरीके से किया, सबसे पहले मैंने डाउन ड्रैग किया, अपने फायर बटन को नीचे को खींचा है और उसके बाद एकदम से ऊपर को खींच दिया है और एनमी जिस साइड को मूवमेंट कर रहा था थोड़ा सा उस साइड को मूव कर दिया, मतलब कि लेफ्ट साइड को मूव कर दिया है। तो मिड और लॉन्ग रेंज का मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। अगर आपको हैंड कैम देखना है तो भाई सेकंड चैनल पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने 3GB रैम के फोन का हैंड कैम अपलोड करके रखा है और उसमें आपको क्लिप्स देखने को मिल जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं कि क्लोज रेंज में रनिंग एनिमी को वन टैप हेडशॉट कैसे मारना है। तो क्लोज रेंज में मारने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लेना कि आपको रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आपको रोटेशन ड्रैग करने नहीं आता है तो भाई सबसे पहले आप मिड रेंज में ट्राई करो और लॉन्ग रेंज में ट्राई करो। क्लोज रेंज में भी आपको सेम ही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एनिमी की मूवमेंट को देखना है, वो किस साइड को मूव कर रहा है, उसके बाद रोटेशन ड्रैग करके अपने एम को उसके हेड के ऊपर लॉक करना है। तो यहाँ पे मैंने एनिमी की पोजीशन को देख के ये प्रेडिक्शन लगाया था कि भाई ये लेफ्ट साइड को भागने वाला है और ये लेफ्ट साइड को ही भाग रहा था, और जैसे इसने जंप किया मैंने अपने फायर बटन को पूरा लेफ्ट साइड को रोटेट कर दिया और इसे इजीली वन टैप हेडशॉट लग गया। रनिंग एनिमी को वन टैप हेडशॉट लगाने के लिए लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में आपने उसके हेड की तरफ ड्रैग करना है, पर क्लोज रेंज में आपको रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा और क्लोज रेंज में आपको अपने फायर बटन को भी ज्यादा ड्रैग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉन्ग रेंज और मिड रेंज। सेकंड चैनल पे जाके हैंड कैम को देख लेना एक बार, वहां पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके से कितना और कैसे ड्रैग कर रहा हूं, और वो फोन भी 3GB रैम का है तो उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो बस फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।